नेहरू युवा केंद्र पाली युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार जिला युवा अधिकारी राजेंद्र जाखड़ के निर्देशों के द्वारा चलाए जा रहे वर्षा जल संरक्षण अभियान तृतीय चरण के अंतर्गत जन जागृति के लिए युवाओं द्वारा ग्राम पंचायत जूटा में शुक्रवार को चौपाल कर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इसी मौके पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संदीप सेन व सुरेश तंवर ने बताया कि पूरे देश में वर्षा जल संरक्षण अभियान तृतीय चरण जन जागृति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से वर्षा जल संग्रहण करना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसी उद्देश्य के साथ आज युवाओं द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उप सरपंच प्रतिनिधि गेवर राम गुजर, मंडल अध्यक्ष रमजान खान, मौके पर नुक्कड़ नाटक टीम प्रभारी एंकर दिनेश वैष्णव, हेमंत सिंह, भावेश, विकास, विशाल, समीर, रसीद आदि ने भूमिका निभाई। अनिल मेघवाल, अनिल सिरवी, जतिन कुमार व मौके पर ग्रामवासी एवं युवा मौजूद रहे। नेहरू युवा केंद्र पाली से पधारे हुए दिनेश जी, संदीप जी सेन और उनके साथ पधारी हुई टीम जो अभी उन्होंने नाटक किया है और स्वामी विवेकानंद मंडल और यहाँ गांव की पधारी हुई खिलाड़ी बच्चिया आप सभी का ग्राम पंचायत झूठा की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा कार्यक्रम लगा क्योंकि आज के समय में जल ही जीवन है। यदि जल को बचाए रखेंगे तो आपका जीवन आगे चलता रहेगा, नहीं तो आप खुद को पता है कि जल के बिना कोई भी कार्य मतलब पूर्ण नहीं हो सकता है। और इन्होंने जल के बारे में कहा कि वास्तव में हकीकत है कि जल अभी हमारे गाँव में समस्या है। जो और श्रीमान राजेंद्र जी जाखड़ साहब जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र पाली, साथ ही मेरे बीच में साथ देने के लिए भाई साहब है संदीप जी सेन, ब्लॉक वॉलेंटियर्स रायपुर ब्लॉक नेहरू युवा केंद्र, साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा मंडल झूठा रमजान भाई और उनकी पूरी टीम। आज हम नेहरू युवा केंद्र पाली के तत्वाधान में श्रीमान राजेंद्र जी जाखड़ साहब के तत्वाधान में एक बहुत जबरदस्त कार्यक्रम कैच द रेन, पानी हमारे जीवन में कितना आवश्यक है और उसका उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए, किस प्रकार से उसका सदुपयोग हो उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक नुक्कड़ नाटक